राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा के विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू द्वारा विवाद का मामला अब्तुल पकड़ता जा रहा है। वहीं पूरे मामले में आज पीड़ित प्रार्थी ने राजनांदगांव प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस वार्ता की और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक विधायक के पति की गिरफ्तारी नहीं होने की बात कही। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व प्रार्थी वीर सिंह उई के छुरिया डिपो के पास कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा की रेत लेकर आ रहे थे। इस दौरान खुज्जी विधायक छन्नी साहू और उनके पति चंदू साहू वहां पहुंचे और गाड़ी रोककर पीड़ित से विवाद किया। मेरा नाम वीर सिंह उइके है सर, मैं गाड़ी ड्राइवर हूं तरुण सिन्हा का। तो मैं रेत ला रहा था जॉब तरफ से, तो छुरिया डिपो पास मेरा गाड़ी के डीजल ख़त्म हो गया। तो उधर से पीछे तरफ से हमारे विधायक और उसके पति चंदू साहू आ रहे थे, तो वहीं रोके हम लोग को और बुलाए मुझे कि क्या हो, कहाँ से ला रहे हो करके पूछे। उसके बाद मैं बताया हूँ, उसके बाद किसका गाड़ी है करके बोले। उसके बाद मैं बोला कि तरुण सिन्हा जी क्या है ऐसे करके, फिर वहीं से बहुत गाली वाली दिए और हाथ पैर तोड़ दूंगा ऐसे करके बोले, और हाथ पैर तोड़ने के भी धमकी दिए हैं ऐसे करके। उसके बाद हम लोग सब मिल के रिपोर्ट कराने गए, रिपोर्ट हो गया है सर अभी तक से रिपोर्ट कर दिए हैं, लेकिन अभी कम से कम 14-15 दिन हो गए, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है वो। तो कम से उसको गिरफ्तारी करें, और अभी देख रहे हैं सर कि वो तो पूरा नेताओं के साथ कुछ सब क्या बोलते हैं बर्थडे पार्टी वगैरह मना रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं पकड़े हैं उसे। और अभी तो अभी बहुत आते हैं फोन वगैरह आते हैं मेरे पास, और बहुत डर लगता है सर कि कुछ कर ना दे ऐसे करके, और बहुत पूछते हैं, एकदम से घबराहट रहता है हमेशा। वो सब नाम तो पता नहीं सर, नया नंबर से आते हैं। ये राजनीति का आप क्या बोलें भैया, एक तरीके से व्यक्तिगत तरीके से तो सोने निकाल रहे हैं ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरी गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी रेत से भर के, उसकी राइटी पर्ची वगैरह सारा चीज़ था। वहाँ पर आने के बाद पूछा गया कि गाड़ी किसकी है, तो मेरे ड्राइवर ने बताया तरुण सिन्हा की गाड़ी है। उसके बाद फिर उन्होंने गाली गलौज ड्राइवर के साथ किया, और बहुत गंदी गंदी गाली का उपयोग किया उसने। ड्राइवर ने मेरे को आके बताया और चाबी आबी को भी छोड़ के चले गया, भैया आज के बाद मैं गाड़ी अब नहीं चलाऊंगा करके। और काफ़ी सारे अधिकारियों को भी दबाव दिया गया DFO वगैरह को कि ऐसा ऐसा बात है, तो उस गाड़ी को रात साफ करो, ये करो, वो करो करके। तो फिर ये समाज में जाके मेरे ड्राइवर लोग अपने बात को रखे, और समाज रूप से वहाँ पर उन लोग बैठक करके रिपोर्ट करवाए, तो वहाँ पर 1 2 सिटी 1 वहाँ पर कर दिया गया है। और वही बस उसी के कारण मैं भी प्रशासन से मांग किया हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार से भी मांग किया हूँ, और अपने छुरिया थाने और SP साहब को भी मैंने अपने सुरक्षा का ज्ञापन दिया है। TCP 24 के लिए राजनगांव से विपुल कन्हैया की रिपोर्ट।